हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज जो है जनेश्वर मिश्र पार्क, जो कि इस व्लॉग में दूसरी बार होगा और ऐसे तो जाते रहते हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि उसमें तीन लड़के और जा रहे हैं नए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी शायद 7 लोग जा रहे हैं, तो सीधे चलते सब लोग के पास। तो गाइस, अभी अमित का वेट कर रहे थे जो कि इसकी साइकिल यहाँ पे खड़ी है, और मतलब वो अपने आप ही तैयार हो चुका, बस चप्पल पहनने गया है। और दूसरे बंदे का भी कॉल आया था कि मतलब कहाँ हो, जल्दी आ मेरे घर पे। तो अभी फटाक से जाते हैं और सबको उठाते फिर निकलते हैं। गाइस, अभी 4 लोग आ चुके हैं और अभी मतलब एक लोग सब लोग मतलब पहले ही कॉल कर रहे हैं कि मतलब कहाँ हो, मतलब जो एक्साइटेड है ना, रात को सो ही नहीं पाए थे, तो दिखा रहे हैं कौन कौन आया। अभी अमित दिल्ली में दूध चेक करने था कि चाय बनाएंगे सुबह सुबह। ये देखो, हमें शकल रिवील करना। गाइस, अभी सब लोग आ चुके हैं, चिल्लाओ बे, रात को पब्लिक सो गई हो। तो अभी एक लोग और लेंगे और फिर सीधे जाएंगे। चलो बे, अभी इसका वेट कर रहे थे, ये आ चुका है और हम निकले। चल बे, वो देखो सब लोग निकल चुके हैं अंधेरी में, अंधेरी गली में, और हम भी जा रहे हैं। फिर से सब लोग आ चुके हैं और हम खड़े सिंगापुर ब्रिज के ऊपर, और अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। 2 मिनट से खड़े थे तो अभी सीधे जा रहे हैं। 4:40 हो गया, तो 20 मिनट में शायद हम लोग पहुँच जाएं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अभी चल चुके हैं और ब्रिज से बहुत मजा आता है यार, जब उतरते हैं ना बहुत ज्यादा। मेरा चाय आ चुका है, गिरा दिया है, और ये चाय में लड़ाई हो रही है। देख बे, अब एक बार लड़ाई दिखाओ बे, चाय में खुद लड़ाई कर रहे हैं। देखो, 20 रुपए चाय नहीं पियेंगे, मतलब 20 रुपया ये कुल्लड़ चाय 20 रुपए का, इतना सस्ता है, फिर भी कह रहा नहीं पियेंगे हम, 10 वाला लिए। तो फाइनली हमें अभी जनेश्वर मिश्र पार्क से अंदर एंट्री कर चुके हैं और अभी जा रहे हैं उधर जिम की तरफ। जो भी पहले व्लॉग नहीं दिखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और जाके देख लो। और अभी मतलब इधर का ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, अगर उधर झंडे की तरफ जाएंगे तो हम दिखाएंगे। अभी हम मतलब जिम वम से निकल चुके हैं और इधर झूला पार्क से निकल चुके हैं, तो अभी हम सीधे जाएंगे झंडे की तरफ। तो चलो चलते फिर। अभी हम जनेश्वर से सीधे निकल रहे हैं और अभी जा रहे हैं झंडे की तरफ। ये गाइस, ये नया लौंडा है, ये भी है, वो भी है, तो अभी सीधे। अभी झंडे की तरफ हम लोग आ चुके हैं और देखो कितना बड़ा है। और अभी सीधे मेरे दोस्त लोग निकल चुके हैं और अभी इधर से सीधे उधर जाएंगे, जो कि ट्रेन है, तो शायद ही ट्रेन की तरफ जाए ना, इसी गेट से निकल जाएंगे। तो फिर चलते हैं। कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है। अभी हम आ चुके हैं इधर ट्रेन की तरफ, और जो कि मतलब ट्रेन काफी अच्छा, मतलब ये दूसरी बार आ रहा हूँ, पहली बार ना एक साल में पहले आया था। तो अभी मतलब अगले तीसरे व्लॉग में ना उधर का बिल्कुल अंदर का एक्सप्लोर करूंगा, और रबड़ का रोड तो सुना ही होगा, तो उधर भी जाएंगे रबड़ के रोड। ये जनेश्वर का ब्यूटीफुल पेड़ बोले तो, इतना गजब का यार, इसकी पत्तियां हैं घास टाइप का भाई, बहुत इतना सॉफ्ट है, इतना तो मेरा बाल भी सॉफ्ट नहीं है भाई। ये जनेश्वर का बेस्ट ट्री बोले तो पेड़। तो गाइस, अभी हम जनेश्वर से अपन लोग निकल रहे हैं और अभी बज रहा है 6:40। तो ये वही ब्रिज है जिसमें जिसके नीचे से मतलब नीचे सारे राइडर्स निकलते हैं, जिसका नाम है आयुष भाई। तो इधर ही सारे अभी कुछ लोग गए हैं इधर ही से। आई गजब, सो गाइस अभी यहाँ पे हम 10.90 पे आए थे, और ये देखो गाइस पैसा बिन रहे हैं और कह रहे हैं कि दिहाड़ी निकालेंगे। अरे अरे अरे, कितना पैसा मिलेगा, कितना आवे ज्यादा कितना मिल जाएगा, उधर भी होगा। बहुत खतरनाक वाली बारिश हो रखी है और हम लोग जनेश्वर से आ रहे थे, तो इसी ब्रिज के नीचे मतलब हम लोग रुक गए अच्छे समय पे, और मेरे जितने भी 2-3 दोस्त हैं वो गए रास्ते में पूरे तरीके से भीग चुके हैं भाई। अभी कॉल में बात हुआ था भाई, भाई कौन, हम लोग रुक गए भाई, बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। अभी स्टोरी लगाने के लिए पूरी तरह मॉन्की के पहले क्या क्या होगा ना।
अपन लोग जा रहे हैं यहाँ से, अभी भी बारिश हो रहा है, फिर भी हम लोग भीगी के जाएंगे यार। वैसे भी तो घर जाना है। मेरे दोस्त लोग अभी कॉल पर बात हुआ था तो बोल रहे थे कि मतलब अच्छा हुआ हम लोग निकल गए, तो अभी सीधे जा रहे हैं। क्या हुआ, इतना तेज बारिश हो रहा है? 1, 2, 3 अभी निकलेंगे हम। अभी यार कहीं भीग ना जाए। रुको मैं मैं भी चल रहा हूँ। भाई सब इधर आए थे हम चंपू फल के, भाई बिल्कुल इतना तेज बारिश हो रहा था, अलग से मैं पूरा देखो पूरा भीग चुका हूँ पूरा। मतलब ऑटो मिल गया था ना, उसको पकड़ के आया था, वरना फिर तो मैं पूरा भीग ही जाता। और ये देखो अब ये इसे आगे जाएगा नहीं जाओगे भाई? भीग गया मैं, आप कभी नहीं जाऊँगा। साला सोचा कि साला थोड़ा वो तो बच जाऊँगा, साला आगे पूरा भीग गया हूँ। अरे ये पता बहुत हम लोग को लगा ना कि बारिश ना कमी हो रही है, तो फिर हम लोग निकल चुके हैं और इतना ज़्यादा तेज हो रहा है ना गाइस। बहुत इधर चाय का दुकान भी है, ले आवे पराठा मिलता है क्या? मेरा चाय समोसा ये स्पॉन्सर किया है और ये भी किया है। और बारिश का मतलब बारिश हो रहा है ना, तो पूरे मजे लेके जाएंगे गाइस। देख सकते हैं, अभी तू साल तेरे को बोल रहा हूँ। अबे बहुत यार मौसम मस्त बना है, साथ में समोसा चाय और क्या चीज़ जिंदगी में। गाइस अभी हमारा समोसा वमोसा कम्प्लीट हो गया, दोनों निकल चुके हैं, तो अभी हम सीधे जा रहे हैं घर, तो मिलते हैं घर पे। तो फाइनली अपन लोग अभी घर आ चुके हैं और बाहर अभी भी बारिश हो रहा है, मेरा पूरा कपड़ा वपड़ा गीला हो गया है। तो आज का दिन तो काफ़ी अच्छा था क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त गए थे सुबह सुबह, तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।